हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार को अहंकारी बताते हुए बड़ा हमला किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज देश की बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठने को मजबूर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सरकार का अहंकार स्पष्ट झलक रहा है। किसानों के आंदोलन से लेकर रोहतक के पेहरावर में भगवान परशुराम जयंती मनाने का मामला हो, प्रदेश व केंद्र सरकार का अहंकार साफ दिखाई दिया है। देश के लोग इस सरकार को जरूर जवाब देंगे। बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी के गांव गुरावड़ा में शहीद लेफ्टिनेंट दीपिका यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र व देश के लोग शहीद लेफ्टिनेंट दीपिका यादव से हमेशा प्रेरणा लेंगे। डॉक्टर बनने के बावजूद उन्होंने देश सेवा के लिए देश की सेना को चुना, जो देश के लिए गर्व की बात है। देखिए, आज हमारी देश की शान, हमारी बेटी गुरावड़ा की, और गुरावड़ा की नहीं पूरे देश की बेटी, लेफ्टिनेंट दीपिका यादव ने जो कुर्बानी दी है अपनी देश के लिए और देश की सर्विस में, एक MBBS डॉक्टर जिसने फौज में जाना का ऑप्शन लिया और देश की सेवा करने का ऑप्शन लिया, आज अपनी ड्यूटी पे उन्होंने कुर्बानी देने का जो काम किया है, वो हमारे इलाके को के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा हमारे इलाके का उसमें गौरव बढ़ा है। और मैं इस दुख की घड़ी में परिजनों के यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिजनों को ईश्वर शक्ति दे दुखी घड़ी का सामना करने के लिए, और दीपिका और को अपने चरणों में स्थान दें। राय होना चाहिए, ये असंवेदनशील और अहंकारी सरकार है। कोई भी अपनी मांगों के लिए लेके इस सरकार पे के सामने अपनी मांगे रखता है कोई भी वर्ग, ये सरकार उनकी मांगों को अनसुना करने का काम करती है, बल्कि उन्हीं पे कार्रवाई करती है। अब हम देख रहे हैं कि पेहरावर के अंदर जो वहाँ पर किस तरीके से जो ब्राह्मण समाज पेहरावर में परशुराम जयंती मनाना चाहता था सरकार उन्हीं पे, उससे पहले हमने देखा जो है अही रेजिमेंट के लिए जब लोग बैठे तो सरकार ने उनका तिरस्कार किया, किसान जब बैठे धरने पे सरकार ने उनका तिरस्कार किया, अब खिलाड़ी धरनों पे बैठे हैं सरकार उनका तिरस्कार कर रही है। तो हर वर्ग की सरकार अहंकार में आ गई, घमंड में आ गई, ऐसा दिखाई देता है। तो सरकार को न्याय करना चाहिए सबके साथ। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जनसंख्या को नियंत्रित करने का कानून लागू जो थी हमारी देश की, और लगभग प्रदेशों में 2-3 प्रदेशों को छोड़ के वो 2 से भी कम हो गया, यानी कि वहाँ पर अपनी जनसंख्या घटने की तरफ जा रही है। तो बड़ी तेजी से जो देश की जनसंख्या नियंत्रण में आई है उसके लिए मैं समझता हूँ देशवासी बधाई के पात्र हैं। कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा, निश्चित तौर से कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव में जीतेगी, लेकिन आज मुख्य उद्देश्य यही था ये, और यहाँ पे हम पूरा इंटरव्यू देते हैं, शोभनीय नहीं है, और कर्नाटक में लिखे हैं आपका पूरा इंटरव्यू हम हमेशा देते हैं, मगर मेन चीज़ें आपको कह दी, आज हम श्रद्धांजलि देते हैं अपनी बेटी दीपिका यादव, लेफ्टिनेंट दीपिका यादव को श्रद्धांजलि देते हैं, और इस परिजन परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर दुख की घड़ी का सामना करने के लिए परिवार को स्ट्रेंथ दे। हमें अपनी बेटी पे गर्व था और हमारे गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा।